पिछले दो तीन दिन से जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। देखिए उन युवाओं ने, दो युवा अंदर संसद में घुसे, एक उन्होंने बाहर, एक युवती और एक युवा बाहर थे, एक उनका वीडियो बना रहा था, उनके खिलाफ जांच की जाए और जो भी, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए या नहीं जुड़े हुए, जो भी उचित कार्रवाई बनती है उन्हें जेल, उन्हें फांसी की सजा जो भी होनी है वो हो। लेकिन मेन यही पर राहुल गांधी जी तो कहते हैं बेरोजगार, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो ये घटना हुई, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं देश के, लॉ एंड ऑर्डर, जांच एजेंसियां सब उनके अंडर हैं, तो उन्हें संसद में आकर बयान देना चाहिए, उसमें उन्हें क्या दिक्कत है? विपक्ष यही तो देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा उठाए, बहुत सही बोल रहे हैं, इनका समर्थन करते हैं। क्या दिक्कत है? एक मिनट सुनिए, आप नेताजी बाहर भी तो बोल रहे हैं, नेताजी जनता कोई बात अंदर आके बोलनी है, नेताजी थोड़ा जनता को बोलने दीजिए। देखिए आपको बता दे, बहुत अच्छा बात बोले कि वो लोग पे कार्रवाई होना चाहिए। पहली बात इनकी जानकारी के लिए बता दे, दो लड़का नहीं था, तीन लड़का था, एक लड़की थी, जिसमें कि एक लड़की में, एक लड़की नीलम आजाद है, वो भिमटी है और वो कांग्रेस के लिए वोट मांगती थी। आज के डेट में ये प्रूव किया जा रहा है कि आंदोलन जीवी कब आतंकवादी बन जाएंगे कोई नहीं जानता है। आपको बता दे, भिमटी होती है, सुनिए ना, आपको बता दे, पहली बात जो विजिटर पास दिए बीजेपी के सांसद, वो भी उनको भी निलंबित कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोचने वाला बात है, क्या संविधान, अगर हम लोग बेरोजगार हैं तो क्या संविधान ये हक देता है कि जाके संसदों में होली खेल के आओ? अभी बीजेपी का सरकार है ना, इसलिए सिर्फ गुलाल उड़ाया गया है। अगर कांग्रेस सरकार था ना, अभी संसद में उड़ गया रहता, समझे? आपको बता दे पत्रकार महोदय, राहुल गांधी अब उरियल में क्या है, राहुल खान है। आने वाला टाइम में अगर राहुल गांधी फट जाए तो मोदी जी का गलती है, बताइए सर। नहीं, इनको कैसे पता वो राहुल खान है, राहुल गांधी नहीं है? सुनिए, आपको कैसे पता कि राहुल मोदी है या राहुल खान? संसद में आकर बयान देने में क्या दिक्कत है? रामचंद्र कह गए, सियासत ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। माँ बाप का शादी हुआ चर्च में, अब बेटा बोलेगा ब्राह्मण है, बोल रहा है कठुआ नहीं है। राहुल गांधी एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, ब्राह्मण बन के घूम रहा है, फिरोज खान का पोता, फिरोज खान का पोता है एंटोनियो। अरे वाह वाह, वरुण गांधी जी भी तो है, उनको तो हिंदू बोलते हैं, बोलेंगे बिल्कुल, उनको तो हिंदू बोलते हैं, क्या बात है, दोनों भाई है, एक को कटवा बोल रहे, एक को हिंदू। ये देखो ना, ये कोट के ऊपर जनो तो नहीं पहनते हैं, सावन में मटन नहीं खाते हैं, राम मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, 370 का विरोध नहीं करते हैं, देश हित में काम तो कर रहे हैं ना। जाति, इससे उनकी जाति का कहां पे, जाति तो एक ही हुई ना, जब एक ही परिवार के हैं। मैं तो वो कह रहा हूँ, आप उनको कह रहे हो हिंदू और ये लोग मुसलमान, ये कैसे हो गया? एक एक ही खानदान के, एक ही परिवार का, एक हिंदू एक मुसलमान, ये क्या मतलब हुआ? इनका कहना सही है, लेकिन इनको ये नहीं पता है वो गांधी परिवार नहीं, वो हल्दीराम मिक्सर है, कि गांधी, नेहरू, बाजरा, खान सब घुस गया है उसमें, तो उसमें से कौन? अरे भैया, गांधी बनी नहीं सकता, एंटोनिया मानो, एंटोनिया मानो थी। मतलब देखो क्या होता है कि हमारे देश में ना, हो सकता है यहाँ जितने खड़े बाहर से क्या नहीं लेके आते, क्या शादी नहीं होती? अभी इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती हमारे देश में, इंटरकॉन्टिनेंट मैरिज नहीं होती, तो मतलब अभी क्या बाहर से लोग शादी करके कितने भाई आते हैं, लेके आते हैं, तो उसको ऐसे प्रताड़ित करते रहोगे, उसको ऐसे प्रताड़ित, किसी की दिक्कत पता है कहाँ है? दिक्कत हमको एक चीज पे, सवाल का जवाब देंगे एक मिनट, दिक्कत पता है कहाँ आता है? हम जो आज इस तरीके का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उसके पीछे एक वजह है, जिस एंटोनियो माइनो के ठुमके पे पूरा इटली का बुजुर्ग कल तक नाच रहा था, आज के डेट में भारत में राजमाता बनी हुई है, और वो राजमाता, उसका अगर, उसका नाम अगर कोई गलत बोल दे तो बहुत लोग को यहाँ चुल मच जाता है कि भाई एक मिनट उस कैसे तुम एंटोनी माइनो बोलती है भाई, तो तुम बदतमीज हो। लेकिन वो इटली से आके वो बोलती है राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक, जो कि राम का देश है, तो उसका विरोध कर ले तो क्या गलत है? आपसे फिर बात करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए मैं बताऊँ आपको, ये सारा जितना भी मीडिया, नेशनल मीडिया है, ये सब चीजों को जो है मोदी जी ने कंट्रोल किया हुआ है। पहले मैं बताता हूँ आपको, साक्षी मलिक ने कल जो है अपना सब कुछ सौंप दिया, ठीक है। अब ये बताइए, वो कोई मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है, एक किसी ने कोई बात कह दी, साक्षी मलिक पे कोई बात करने को तैयार नहीं है, ये सब जो है पहलवानों पे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरे जब पहलवान का बात जंतर मंतर यही जस्ट बगल में है, बेरोजगार, एक मिनट नहीं अंकल सुनिए, हम आपको तर्क संगत आंसर बता रहे हैं, अगर आप इस देश में बेरोजगार है, अगर आप इस देश में पहलवान पे शोषित किया गया है, तो इसके लिए जंतर मंतर बना है, लेकिन जंतर मंतर पे जब पहलवान का मुद्दा उठना चाहिए, उस जंतर मंतर पता क्या होता है?
मोदी होगी तेरी कब्र खुदेगी, हमें चाहिए ब्राह्मणवाद से आजादी, तो आप न्याय मांगे कब? ये छोड़ेंगे नहीं, माइक को नहीं छोड़ेंगे ये, मैं बताता हूँ आपको। असल में क्या है, जब जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हुई थी इसी दिल्ली के अंदर, जब नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था उस दिन नरेंद्र मोदी जी उधर उद्घाटन कर रहे थे और जो है उधर बहन बेटियों को दिल्ली पुलिस जो है घसीट करके लेके जा रही थी, वो इस देश का काला दिन था। और सुनिएगा मेरी बात को, उसी दिन दो महिलाओं का अपमान किया गया, एक राष्ट्रपति जो महिला थी उन्हें वहां नहीं बुलाया गया, दूसरा बाहर जो बेटियां बैठी हुई थी जंतर मंतर पे उन्हें घसीट करके ले गई, वो काला दिन था, उस पर कोई बात नहीं करेगा। आज इन्हें जाट और ये और वो याद आ रहा है। सुनिए ये राष्ट्रपति पूरी बात करने, लंबा हो जाएगा, लंबा नहीं हो जाएगा, लंबा मैं बताऊँ, ये नहीं देंगे जवाब, ये बिना ये इधर उधर की बातों में घुमाते रहेंगे आपको। इन्होंने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या पूछिए ना, क्या बार तो मैंने पूछ लिया, कितनी बार मैंने सवाल पूछ लिया, मैंने ये कहा कि उन युवाओं ने जो संसद में घुसे, दो अंदर घुसे दो बाहर रहे, उन्होंने जो एक्टिविटी की जो हरकत की वो उसकी हम निंदा करते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, मिलेगी। इस मुद्दे पर गृह मंत्री जी को संसद में बयान आकर बयान देने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है, अब सुनिए कैसे दिक्कत है, हम बताते दिक्कत क्या है। जब मणिपुर वाला, एक मिनट, जब मणिपुर वाला मुद्दा चल रहा था इस देश में, आप सुनिएगा आंसर दे रहे हैं, जब मणिपुर वाला मुद्दा चल रहा था हर एक देश का जनता बोल रहा था कि भाई अमित शाह जी को बुलाओ कुछ बयान देंगे, जब अमित शाह जी जाते हैं तो टेबल पीटा जाता है वहाँ पे, तो मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए, जब मिलते नहीं है तो घबराने लगते हैं। जाए तो सही, अरे अमित शाह जी जाते नहीं संसद में, कौन से सांसद थे ये, कौन से 141 सांसद थे, उनको सांसद चुनकर पार्लियामेंट में भेजा गया और वो पार्लियामेंट में धरना कर रहे हैं और वहाँ पे वीडियो बना रहे, मिमिक्री कर रहे हैं, वो सांसद है, उनको तो बाहर जूता मार के भगाना चाहिए, बस सस्पेंड किया, ये बहुत उनकी इज्जत की बात है। ऐसा है, ये कोई जवाब नहीं देगा ना नरेंद्र मोदी जी से, नरेंद्र मोदी से मणिपुर पे कोई जवाब आएगा ना, अडानी के नाम पे आएगा ना, पहलवान बेटियों के नाम पे आएगा ना, ब्रजभूषण शरण के नाम पे आएगा, ये कोई जवाब देने वाले आदमी नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाने लायक है ही नहीं। आप सब छोड़िए, आप इनसे पूछिए कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दें, नरेंद्र मोदी का चेहरा बोल रहे ना, आज के डेट में संसद में बचा है ना तो कहीं मोदी जी का सरकार का ही देन है, और भगा भगा कर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप सबका मोदी है, ठीक है, तो मोदी जी है ना, इसलिए आज के डेट में, और बोले चेहरा दिखाने का, राहुल गांधी का चेहरा देखे है आप, देखे है, गूगल अभी आप करिए मेरे सामने, आपको हम जवाब नहीं देंगे, चलिए हम, मेरा जवाब सब संतुष्ट नहीं होगा, आप अभी मेरे सामने गूगल करिए और सर्च कीजिए पप्पू फोटो, अगर राहुल गांधी का फोटो ना आए तो मीडिया में बोलना छोड़ देंगे, जाइए आपको, आप सर्च, कोई जवाब नहीं है, इनके पास कोई जवाब नहीं आएगा। जैसे मोदी जी के पास पहलवान बेटियों के लिए, मणिपुर के लिए, ब्रजभूषण के लिए केस पता है इनको, इनसे ये पूछे पहलवान बेटियों का केस क्या था पहले, ये पूछे पास में ये क्या था, इनके जो पहलवान ने रेप का केस बताइए, केस रेप का जो वो लगा था, केस था कान पे, कौन सा केस था रेप का, कौन सा केस था, नहीं करने को, ये कोई जवाब नहीं दे सकते नरेंद्र मोदी जी, नहीं केस तो बताओ, ये बोल रहे पहलवान बहनों के लिए, वो हमारे नहीं आए हैं, पर क्या केस था ये पूछ लीजिए इनसे, ये पूछिए पहले उनका क्या केस था और क्या जवाब देते, और जिनके ऊपर आरोप लगाया गया था ना, उन्होंने 194 सीआरपीसी का इस्तेमाल किया था, जो इन जैसे लोगों को पता भी नहीं है, जो आज केजरीवाल भागा फिर रहा है ना, उसको भी ये भी नहीं पता, तुम लोग सिर्फ ये लोग सिर्फ मुद्दों से भगाया जाता, आईपीसी और सीआरपीसी में बहस हो रही थी और जिसमें संशोधन हो रहा था, जो हमारे आम रूटीन में डेली काम आते हैं हर मिनट में, और यही विपक्षी है जो 141 बार बैठ के धरना करते हैं, मोदी मनाते हैं, देश में विपक्षी एकता से डर चुके हैं, क्योंकि इनके पास कोई बचा नहीं है, कोई काम करने के लिए बचा नहीं है। एकता जब होती है, देखो जब चोर इकट्ठे जब ही आते हैं, जब सोच लेना कि हमारे देश का राजा सच्चा है, तभी चोर इकट्ठे आते हैं, नहीं तो नहीं आते। पार्टियों का समर्थन लेके नरेंद्र मोदी जी 2024 के विपक्ष एकता की वजह से, विपक्ष एकता की वजह से मोदी जी डर चुके हैं। नहीं देखिए मोदी जी को, सुनिए, चौकीदार और कुत्ता मिलने को फर्क नहीं पता है, ठीक है चौकीदार डंटा दिखाए बिना रहेगा नहीं और कुत्ता भौंके बिना रहेगा नहीं, ठीक है, तो सुनिए मोदी जो है, ठीक है, पहली बात तो अभी बार बार बोले जवाब नहीं देंगे, आपको बता दे भक्त के पास में भाजपा वालों का, अरे सुन तो, आप बोलने दे, आप सुनने दीजिए, अरे आप बोलने दीजिएगा, आपको हम तो कहना चाहते हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी को हटा के इनको बैठा दीजिए, जीत जाएंगे कम से कम, एक स्टेट तो जरूर जीतेंगे, बेटियों को जब घसीट करके ले गए नेताजी, बहुत बढ़िया, आपको राहुल गांधी को हटा के आपको हम बैठाएंगे, हाँ मैं बैठूंगा, क्या दिक्कत आ रही है, राहुल गांधी को हटाइए, क्या मतलब है इसमें, आप का ही इतना नेता बन रहे हैं, नेता बन नहीं रहे, नेता है, नेता बन नहीं रहे हैं, नेता बन नहीं रहे हैं, आप ये निष्पक्ष जनता नहीं है, हम अगर सुनिए, अगर बीजेपी का भीष्टर पास कोई नेता दिया है, उसके क्यों नहीं, सुनिए, उसका इस्तीफा का मांग करते हैं,
है लेकिन जो उसमें गई नीलम आजाद उसका बाप भी कांग्रेस में है, उसका इस्तीफा आप क्यों नहीं मांग कर रहे हैं? सांसद ने जिसके पास से वो गए थे अंदर चारों के चारों, उसे क्यों नहीं सस्पेंड करा? मांग कर रहे हैं हम इस्तीफा का, हम मांग कर रहे हैं इस्तीफा का, लेकिन आप मांग कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आप की हालत है इस देश के अंदर, जो विपक्षी सांसद अंदर बैठा हो, जो 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 एमपी जो है वहाँ पे डिमांड कर रहे थे उन्हें बाहर कर दिया, ये काला दिन है इस देश का, काला दिन। जब इस देश में संविधान को अलग करके जब 75 में जो इमरजेंसी लागू किया था तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आया था, 84 में सिख नरसंघ हुआ तब देश खतरे में नहीं था, ठीक है, 90 में कश्मीरी पंडित जेनोसाइड हुआ तब देश खतरे में नहीं था, आज मोदी जी की सरकार में सब सुरक्षित है, देश खतरे में आ गया। नरेंद्र मोदी की अभी हमारे बाबू जी कह रहे हैं कि ये मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, ये जवाब क्यों नहीं देते हैं? जो भी दुर्घटना हुई है संसद में वो जवाब, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, वो जवाब सुनिए, वो जवाब कैसे देंगे? वो जवाब दे नहीं सकते क्योंकि विपक्ष मुंह छुपा के भाग जाता है। ऐसा है, मैं बताता हूँ, सुनिए सुनिए, अभी तक तो मणिपुर में जवाब मांग रहे थे, जब जवाब देने आए तो सब भाग लिए। मोदी जी ने चाहते कि विपक्ष भागे, मोदी जी ने चाहते कि विपक्ष भागे क्योंकि मणिपुर पे जवाब मांग रहे थे तो विपक्ष भाग गया। उन्होंने 150 सांसदों उन्होंने आवाज उठा रहे थे, मोदी जी जवाब दो, मुंह सुजा के मत रहो, होम मिनिस्टर से जवाब मांग रहे थे, ये होम मिनिस्टर जवाब देने लायक नहीं है आज की डेट में, इसलिए जो है वो सारे सांसदों को, मैं तो कहता हूँ सारे विपक्ष को बाहर कर दो, अपने आप ही चला लो, इसलिए कह रहे लोकतंत्र खतरे में नहीं, इस देश खतरे में है आज की डेट में, कोई खतरे में नहीं, ना हिंदू को खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, भाजपा खतरे में आ चुकी है। सर भाजपा खतरे में नहीं है, सिर्फ विपक्ष है जो अपना काला मुंह लेके बाहर जाता है। देखिए मैं बताऊं आपको, बड़े शालीनता के साथ में इस देश में जो इस समय चल रहा है वो बड़ा ही खतरनाक है। बहन बेटियों को कोई जवाब नहीं आएगा किसी के पास में। कल ब्रजभूषण शरण को के सहयोगी को, मतलब उसी का एक सब्स्टिट्यूट है, उसे जो है पहलवान एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया। वो कह रहा है मेरा दम है, दम रहेगा और सब कुछ रहेगा, जिसको उखाड़ना हो वो उखाड़ लो। तो वो चौड़े मुंह कह रहा है, क्या है 56 इंच का सीना? 56 इंच का सीना खत्म हो चुका। साक्षी मलिक ने उसी समय पर अपना वो दे दिया, समर्पण कर दिया, उन्होंने कहा हम हार गए। तो ये धिक्कार है सब मोदी सरकार पे, भाई साहब जो बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते, मणिपुर में महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो क्या बात करेगी? मतलब गृह मंत्रालय को ये रोकना चाहिए था, कम से कम जाके होम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को। धिक्कार जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी भाई साहब ने जो कहा महिलाओं के सम्मान के लिए, वो तो आप बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। जाट कल याद नहीं आई, वो जाट बेटियां हैं, मैं जाट बेटियों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान की नाक है, हम हिंदुस्तान की नाक होती, बिरादरी नहीं होती है यहाँ। सही बात, बेटी की कोई बिरादरी, बेटी किसी की भी होती है, बात का बिरादरी नहीं होती है, थोड़ा ब्राह्मणों को भी आरक्षण दिलवाइए भाई साहब।